हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी 2.0। तो अभी आप जानते होंगे कि गेट अकेडमी का जो चैनल है उसमें कोई भी वीडियो नहीं दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि चैनल हैक हो चुका है। कल हुआ था मॉर्निंग 6 AM, उसके बाद से उसमें हम कुछ भी कुछ कर नहीं पा रहे। नाम भी चेंज हो गया, आप देख रहे होंगे, कुछ रिपल फाउंडेशन कुछ नाम से। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो यूट्यूब से रेगुलर कॉन्टेक्ट कर रही, उनसे बात चल रही है। मेरे को नहीं पता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके पहले प्लस भी एक बार हैक हो चुका है और अब ये वाला हो गया है। उसके पहले एक बार और हो चुका था, तो थर्ड टाइम एक्चुअली ये हैक हो रहा है गेट अकेडमी का। मतलब ये थर्ड टाइम हो गया मतलब ऐसा हैक होते हुए। तो कई लोग बोल रहे हैं इसके पीछे किसी का हाथ है, कुछ लोग बोल रहे किसी का पीछे हाथ है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इतना कोई किसी को हायर करके गेट अकेडमी का चैनल हैक करेगा, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। इतना कोई नहीं डाउन, इतना कोई गिर, ऐसा कोई गिर के कोई ऐसा कोई प्लान नहीं करता। आई डोंट होप कि ऐसा कोई करेगा। तो अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर, और जैसे ही कुछ आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी मेरे लिए बस ये था कि आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा है, रेगुलर मैसेजेस आ रहा है कि क्या हुआ सर, उसमें कुछ कंटेंट जो था वो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हैक हो गया तो कुछ कंटेंट दिखने का सवाल नहीं होता। कम्युनिटी पोस्ट जो पहले से शेड्यूल था, बस वो एक दो कम्युनिटी पोस्ट आपको दिखा होगा जो कि ऑलरेडी शेड्यूल था, और बाकी तो उसमें जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था सब कुछ मतलब अभी तो जा चुका है उसमें से। मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूट्यूब से कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे हमारी, और देखते कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूट्यूब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, इसमें व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जानते ही गेट की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का मैसेजेस भी आ रहा था कि सर हमको कोई ट्वीट करना है क्या, या हमको कोई मेल करना है क्या। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना सोचते हो, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अभी आप लोगों को ऐसा कोई ट्वीट या मेल कुछ नहीं करना। अभी हमारी टीम रेगुलर बात चल रही है, उन लोगों से बात चालू हो गई है, मतलब मेल कन्वर्सेशन चालू हो चुका है। अगर कुछ नीड रहेगी तो मैं बोलूंगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो मेरे को लगता है कि ऐसी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी विश करो कि चैनल आ जाए, जल्दी आ जाए। कितना टाइम लगता है डोंट नो, लेकिन आप भी विश करो कि चैनल जल्दी आ जाए, और फिर से हम अपना पारी स्टार्ट करेंगे। एक और हमेशा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब चीजें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब चीजें ना, बोला ना वी आर गेट अकेडमी 2.0, तो कोई कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, या कुछ लोग हैप्पी हो गए होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बेस्ट हो गया, लेकिन नो वन कैन स्टॉप टू अस, नो वन। तो हम अपना बेस्ट देते रहेंगे, हमारी फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में इतने सारे लोगों को बताते रहता हूँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम टफ सिचुएशन को हैंडल करना नहीं जानेंगे तो फिर हम कैसे हैंडल कर पाएंगे जिंदगी में। तो टफ सिचुएशन आती रहती है, चाहे आपके साथ हो चाहे मेरे साथ हो। मैं आपके साथ ऐसे एस्पिरेंट आपको आता है प्रॉब्लम, तो मैं ऐसे प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती रहती है। तो अब ये बिग प्रॉब्लम हो गई है, मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही, क्योंकि गेट अकेडमी आप जानते हो कि गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल, गेट अकेडमी ये सब मेरे दिल से कितना जुड़ा हुआ हूँ, मतलब आप लोगों को आइडिया भी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेरे को लगता है कि हमको हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे समय में हम कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये सब चीजें जिंदगी में देखने को मिलते रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी में चीजें नहीं होगी, टफ सिचुएशन सबकी आती रहती, तो आपको हैंडल करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टफ टाइम है गेट अकेडमी फैमिली के लिए, गेट अकेडमी के सब्सक्राइबर, व्यूअर, जितने भी गेट अकेडमी फैमिली, उसके लिए टफ टाइम है। लेकिन हम इसको हैंडल करेंगे, इसको मैनेज करेंगे, और बस मैं वेट कर रहा हूँ कि गेट मतलब यूट्यूब की साइड से एक पॉजिटिव रिस्पांस किस वे में आता है। इन्फॉर्मेशन तो वो लोग मांग लिए है, तो इन्फॉर्मेशन तो हम सब सबमिट कर दिए है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लेते हैं वो लोग, और जब चैनल आ जाएगा तो उसमें कोई वीडियो का क्या स्टेटस रहेगा, जितने भी लाइव स्ट्रीम वगैरह था उसका क्या स्टेटस रहेगा, पता चलेगा। ठीक है, तो आप भी पॉजिटिव होप रखिए, मैं भी पॉजिटिव होप रख रहा हूँ, और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आपके आप अपने इतने सारे अच्छे नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स को रिवाइज करते रहिए, अपने अच्छे स्टडी करते रहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी वाले पार्ट को कंटिन्यू रखिए। अभी कोरोना का वाला जो पार्ट है वो इंडिया में आप जानते हो कि अब नेक्स्ट लेवल हो गया है, क्योंकि अब फेज टू स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और मतलब ये जो स्ट्रेन है इसको हैंडल करना टफ होते जा रहा है, डे बाय डे टफ होते जा रहा है। तो आप अपना केयर भी कीजिए, फैमिली का केयर कीजिए, स्टडी कीजिए। घर में हो आप तो आराम से स्टडी करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए जिंदगी में, और ऐसी सिचुएशन आते रहेगी, आप भी हैंडल करना सीखो, हम लोग भी हैंडल करना सीख रहे, सबके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।